मैं रघुनाथ आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का इंटीग्रल चैप्टर से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन का सोल्यूशन 26 से आगे देखेंगे। यहाँ 26 से पहले आपको देखना है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो आपको मिल जाएगा सारा सोल्यूशन, ठीक है। तो आप इंटीग्रल चैप्टर वाला प्लेलिस्ट में जाएगा, इंटीग्रल का चैप्टर है, उसमें आपको एक्सरसाइज बाई इंटीग्रल चैप्टर का सारा एक्सरसाइज का वीडियो उसी में रखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 26 क्वेश्चन नंबर इस तरीके से कहा है, क्या चीज इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए रूट एक्स है, इसको हम यहाँ की मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के पावर माइनस में 1/2 बचेगा, ठीक है। अगर ये एक्स पावर इतना है, ये आएगा कितना, एक्स पावर माइनस में 1/2 और ये माइनस में 1/2 आएगा, माइनस में 1/2 और ये डी एक्स बराबर डी टी आएगा, ठीक है। चाहे तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं या तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करने पर ये चीज आप इसको हम क्या करेंगे, ये डी टी पुट करेंगे। तो ये चीज हमको पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके फॉर्म में बनाने के लिए हमको यहाँ माइनस में 2 से गुना करना पड़ेगा और माइनस में 1/2 यानी कि कॉस रूट में एक्स बटे माइनस में 2। अब यहाँ पे हो गया माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ एक्स के पावर माइनस में 1/2 यानी कि ये नीचे में रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1/2 रूट में एक्स डी एक्स इतना इक्वल टू डी टी, ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूट में एक्स हो जाएगा और डी टी होगा, डी एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस सारे चीज के वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसको अभी नीचे करेंगे, इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में 1/2 माइनस में 2 और इन टू यहाँ पे क्या है, कॉस में अब इसके जगह पे क्या करेंगे, रूट एक्स की जगह पे टी रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सारे का वैल्यू क्या होगा, डी टी में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि माइनस में 2 और ये कॉस का इंटीग्रेशन है, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा क्या चीज, साइन टी। तो इस तरीके से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस प्लस में लिखेंगे 2 साइन और टी का वैल्यू आपको पता है कि रूट एक्स है, ठीक है। तो रूट एक्स रख देंगे प्लस में, इस तरह से इसका वैल्यू भी निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 इस तरह से दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, रूट में साइन 2x जो है उसको हम क्या करेंगे, टी मान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2x जो है इसके पावर, इसको रूट कटाइए, रूट में नहीं मांगे, ऐसा ही मांगे। तो इसको हम लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए टी बटे डी एक्स, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x 2 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉस 2x और यहाँ का डी एक्स जो होगा जो डी 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 एक्स यहाँ पे लिखेंगे और डी टी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से साइन एक्स का 2 कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 2x है इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये डी एक्स नीचे वाला जो है यहाँ पे आ गया, डी टी बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ की ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ देखें तो ये क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, टी, ठीक है, रूट में टी। अब यहाँ पे कॉस एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं कॉस एक्स। अब यहाँ पे 2x होना चाहिए ना, तो जो 2 होना चाहिए तो 1/2 यहाँ पे बाहर में लगा देंगे, ठीक है, 1/2 बाहर में लगा दिए। अब ये डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 और डी के पावर क्या हो जाएगा, 3/2 और बल्कि में 3/2 प्लस में सी, इंटीग्रेशन करने के बाद ये होगा, ठीक है, क्योंकि टी के पावर अभी क्या मानो, तो 1/2 मानो और प्लस में 1 जोड़ेंगे और 1/2 कर देंगे और यहीं पे क्या करेंगे, 1/2 में 1 जोड़ देंगे, 3/2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया और ये हो जाएगा कितना, टी के पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 3 लिखेंगे और टी का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा, ये नीचे वाला 3 यहाँ पे आएगा, तो साइन और 2x के पावर 3/2 होगा और प्लस में सी। इस तरह से हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में इस तरह से है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + sin x क्या मान लेंगे, साइन एक्स को टी मान लेते हैं, ठीक है, 1 + sin x। अब यहाँ पे इसको टी मान लेंगे तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। इस तरह से हम ये पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए कॉस एक्स के ऊपर में है और डी एक्स को भी हम डी टी मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे रूट में बन जाएगा कितना, तो टी बन जाएगा और ये डी टी। अब यहाँ देखिए टी रूट में नीचे है तो ऊपर में जाएगा, तो टी के पास कितना हो जाएगा, माइनस में 1/2, ठीक है, तो इतना हो गया। अब ये टी टी इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम नीचे में है रूट में, इसमें यहाँ पे इसको पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 घटा देंगे,
यानी टी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस में एक बटा दो आप प्लस में एक, बटके में माइनस में एक बटा दो आप प्लस में एक, आप प्लस में क्या लिखेंगे सी। और इस तरह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको एक डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए टी का वैल्यू तो आपको पता हो गया है, क्या चीज साइन है, वन प्लस साइन एक्स लिए हैं साइन एक्स, और इसके पावर क्या हो जाएगा एक बट्टा दो होगा। ठीक है दोस्तों, एक बट्टा दो दो हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा एक बट्टा दो, और प्लस में क्या होगा सी। ठीक है, प्लस में एक सी हो जाएगा। अब इसको जो लिखिएगा, ठीक है, इसको सी लिखिएगा, तो ये दो नीचे में जो है तो ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये फाइनली जो आंसर होगा आपको ये दो और इंटू वन प्लस साइन, ठीक है, वन प्लस साइन साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा वन बाई, यानी कि रूट में है वह पटा, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर। ठीक है, तो रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है, आप प्लस में लिख देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, यानी टू रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स और प्लस में इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि वन यानी लॉग में साइन एक्स जो है इसको हम क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम टी मान लिए, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये लॉग बनेगा लॉग, सॉरी इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन बाय डायरेक्ट हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, वन बाय डायरेक्ट हो गया साइन एक्स, और इन टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक यानी सेपरेट करेगा पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल यानी कि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लॉग फंक्शन है लॉग साइन एक्स, इसको हम साइन एक्स के रिस्पेक्ट में पहले क्या किए डिफरेंशिएशन, अब फिर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा कॉट एक्स बन जाएगा, ये हो गया कॉट एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, और ये बराबर हो गया कितना डी टी, इस तरह से इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका आप लिखेंगे क्या चीज, यही चीज यहाँ कॉट एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू ये हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे इसको हम मान लीजिए क्या चीज, इसको हम मान लिए है टी, तो यहाँ पे होगा टी और ये हो जाएगा डी टी, डी टी का मान जो होगा ये कॉट एक्स डी एक्स का होगा। ठीक है, यहाँ से तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये टी हो गया तो टी के पावर क्या हो जाएगा टू और बट्टे में टू, इस तरह से होगा, पावर में क्या होता है एक जुड़ जाता है प्लस में वन। अब यहाँ पे टी का वैल्यू यहाँ लिखे हैं क्या चीज लॉग साइन एक्स साइन एक्स, और इसके पावर क्या हो जाएगा दो, और ये नीचे में क्या है एक बटा दो प्लस में सी, तो इस तरह से यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इस तरह से लिख सकते हैं, और भी कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर जो है पावर पूरा का है, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा पावर, यानी कि यही होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 इसको सॉल्व करें, यहाँ पे क्या लिखेंगे वन प्लस कॉस एक्स, इसको हम मानेंगे टी, नीचे वाला को मानेंगे टी, तो यहाँ नीचे में टी रखेंगे तो इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, सेपरेट करके कि वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, ये डी टी बटे डी एक्स होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए, माइनस में साइन एक्स डी एक्स के बराबर जो होगा डी टी होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बनाना है हमको, इसको फॉर्म यहाँ पे बनाना है, तब माइनस बाहर कर देंगे गुना। ठीक है, और ये माइनस में अंदर रहेगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, बटे क्या हो गया वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, वन प्लस कॉस एक्स, इसको हम ये चीज लिख दिए, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए ऊपर नीचे, यानी माइनस से गुना करके माइनस से बाहर लगा देंगे, तो यानी माइनस से वो बाहर अंदर में है वो बाहर में है, तो गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाई टी, ये माइनस बाहर है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाई टी डी टी, तो अब इसको लिखेंगे तो माइनस में लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, अब प्लस में सी, इसको टी का वैल्यू पुट करेंगे तो वन प्लस कॉस माइनस में लॉग वन प्लस कॉस एक्स, ये मोड के अंदर होगा और प्लस में इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी जुड़ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे इसका वैल्यू यानी इंटीग्रेशन का वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देख लेते हैं, 31 ऐसा ही है, इसमें क्या करेंगे वन प्लस कॉस एक्स है, इसको हम मान लेंगे टी, और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा डी टी। ठीक है, इतना हो गया, यही चीज इसमें बनाना है फॉर्म, यहाँ माइनस इंटीग्रेशन पहले लगा जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा माइनस में साइन एक्स, ठीक है, माइनस में साइन एक्स डी एक्स बटे में क्या होगा वन प्लस में कॉस एक्स, और इसके पावर में टू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए माइनस तो बाहर इंटीग्रेशन यहाँ पे करेगा, अब यहाँ पे इस पूरा को लिखाएगा डी टी। ठीक है, ये ऊपर वाला का पूरा का वैल्यू लिखाएगा डी टी, और इसका वैल्यू लिखाएगा क्या चीज वन बाई टी स्क्वायर डी टी। अब ठीक है,
इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा पहले, अब इसको इंटीग्रेशन करने पर टी के पावर माइनस टू है, टी के पावर में माइनस में टू आप प्लस में एक जुड़ जाता है, ठीक है, कि पावर में है तो इसमें क्या होगा एक जुड़ जाएगा तो प्लस में वन, अब बल्टे में माइनस टू आप प्लस में वन, इसका मतलब प्लस में सी जुड़ जाएगा इंटीग्रल फर्स्ट टाइम। अब आगे जो लिखेंगे ये माइनस में और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस में एक बचेगा, माइनस एक बचेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस बन जाएगा, ये माइनस में एक है, ठीक है, ये पूरा का वैल्यू क्या होगा माइनस में एक और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टी के पावर कितना आ जाएगा माइनस में एक और प्लस में सी, इसका मतलब क्या होगा हम लिखेंगे ये नीचे आएगा यानी कि वन बाई टी हो जाएगा और प्लस में सी, अब टी का वैल्यू कितना नीचे है तो वन बाई वन प्लस कॉस एक्स और प्लस में लिखेंगे सी, तो यहाँ इस तरह से हमारा क्या होगा इंटीग्रल का इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया इतना, ठीक है, यानी साइन एक्स बट्टा वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एस का इंटीग्रेशन जो होगा ये इतना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करा है इसमें कि 1 बाय 1 प्लस कॉट एक्स है, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे देखिए इसको पहले फॉर्म बनाएंगे तो ये क्या बनेगा 1 बाय 1 प्लस ये कॉस कॉट है तो कॉस एक्स और बढ़ते में क्या होगा साइन एक्स, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको डी एक्स लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये कॉस एक्स है इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन नीचे वाला ऊपर रहेगा, ठीक है, साइन एक्स ऊपर गया अब यहाँ पे साइन एक्स अब प्लस में कॉस एक्स हो गया, ठीक है, कॉस एक्स अब यहाँ पे देखिए दो से गुना कर दिया और दो से भाग कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इतना बन गया। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे वन बाय टू होगा, अब यहाँ पे देखिए कॉस इंटीग्रेशन है तो साइन है तो साइन को क्या लिखेंगे साइन एक्स, अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक बार लिखेंगे साइन एक्स माइनस में कॉस, देखिए आप यहाँ पे माइनस में कॉस एक्स कर देते हैं और प्लस में करेंगे कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे एक और साइन साइन एक्स बाकी है तो साइन एक्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और इतना बढ़ते क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स इतना हो जाएगा और इंटू डी एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स है कॉस एक्स है, ठीक है। अब साइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन का कॉस एक्स होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स होता है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए वन बाय टू है अब इंटीग्रेशन ऑफ इसमें क्या करना है साइन एक्स आप प्लस में कॉस एक्स लिख दिए, ठीक है, साइन एक्स आप प्लस में कॉस एक्स लिख दिए, अब यहाँ पे माइनस में है माइनस में कॉस एक्स है तो माइनस में हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या लिखाएगा ये कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है, माइनस में साइन एक्स माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में हो जाएगा इसलिए प्लस में है इस तरह से लिखा गया और बट्टे में क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स इतना हो गया। अब इंटीग्रेशन आप इसको करना है तो इसको पहले सेपरेट करेंगे तो वन बाई ये इतना बाई इतना तो वन आ जाएगा और फिर इतना बट्टा इतने, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मिटा देते हैं इसके बाद क्या करेंगे साइड में देखते पहले इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना इतना बट्टा इतना तो वन आ जाएगा, ठीक है, आप इतना बट्टा इतना माइनस में, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा वन बाय टू और पूरा एक्सपेक्टेड करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है, इन दोनों को काट के वन आएगा तो डी एक्स अब माइनस में हो जाएगा क्या चीज इतना बट्टा इतना इंटीग्रेशन ऑफ यानी कि कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स, ठीक है, इतना का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद देखिए इसमें आप क्या करना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी पुट करते हैं, ठीक है, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स को हम क्या करेंगे टी पुट करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स और प्लस में हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और ये बराबर में क्या हो जाएगा बराबर में डी टी बटे डी एक्स और डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स ये पॉजिटिव है तो कॉस एक्स माइनस में ये अंदर लिख देते हैं साइन एक्स और इतना हो गया और ये डी टी बराबर डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है, इतना आ गया। अब यही चीज क्या करना है इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अब यहाँ से देखिए वन बाय टू है ये है बाहर अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग में हो जाएगा लॉग में देखिए ये चीज अब यहाँ पे ना है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे लॉग में क्या लिखेंगे ये जिसको टी माने थे टी का वैल्यू कितना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज यानी कि कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स, ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा प्लस में सी इंटीग्रल कॉस है इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 वन बाय वन माइनस टेन एक्स है, ठीक है, तो इसको भी ऐसा ही करना है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय
अब यहाँ पे 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो इतना माइनस में इतना बटा कॉस एक्स, कॉस एक्स नीचे वाला हटाएंगे तो ये ऊपर में चला जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स इसको भी 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, ये डी एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको भी क्या करना है, हमको सेपरेट करना है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 और फॉर्म पे बनाना है। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स है, कॉस एक्स यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम माइनस में साइन एक्स, फिर यहाँ पे फिर क्या कर देंगे साइन एक्स जोड़ घटाए हैं तो साइन एक्स जोड़ देंगे, ठीक है, ये जोड़ दिए। अब ये प्लस में कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में कॉस एक्स, ठीक है। और ये बट्टे में क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है। इतना हो गया, ये इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 और ये प्लस में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन है। आप यहाँ पे इसको ये इसको ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है, अब इसको भी क्या कर देंगे ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स माइनस में कितना है साइन एक्स, बट्टे में क्या होगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये दोनों तो चीज सेम है, ये डी एक्स करना है। इंटीग्रेशन ऑफ फिर से यानी कि ये ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बट्टे में कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है, और इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया, 1/2 तो है बाहर में, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका देखिए डायरेक्ट 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा डी एक्स का एक्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो है इसको हम टी पुट कर देंगे, ठीक है। कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स जो है इसको हम टी पुट कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा कॉस का हो जाएगा कितना, तो साइन एक्स, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस में हो जाएगा, देखिए माइनस में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस का माइनस में साइन, और ये साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, बराबर में टी डी बट्टा डी एक्स, डी एक्स इसको माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना कि कॉस एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर में डी टी, क्लियर है, यही चीज आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको टी माने हैं तो ये लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग में ये माइनस है तो ये माइनस पहले ब्रैकेट लिए है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे वाला चीज है जो कॉस एक्स है माइनस में साइन एक्स, वो अब ये क्या हो गया मोड के अंदर हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स मोड के अंदर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। अब यहाँ पे देखिए इसको सी अभी नहीं जोड़ेंगे, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद लास्ट में सी होएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया, और इसको एक्स से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 1/2 और लॉग में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है। तो ये मोड के अंदर होगा और प्लस में इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। इंटीग्रेशन है अंदर रूट टेन एक्स है बट्टा में साइन एक्स कॉस एक्स है, इस तरीके से है। तो इसमें अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें क्या करना है सबसे पहले कि कॉस स्क्वायर यानी देखिए टेन एक्स को अगर टी मानते हैं तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है तो ये सेक स्क्वायर आता है, लेकिन सेक स्क्वायर फॉर्म बनेगा नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ये रूट टेन एक्स जो है इतना ही रहने देंगे, और यहाँ पे साइन एक्स जो है साइन एक्स और कॉस एक्स है, ठीक है। तो कॉस एक्स, कॉस एक्स से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुना और भाग कर देंगे, ठीक है, कॉस एक्स से गुना और कॉस एक्स से भाग, ठीक है, तो ये डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ देखिए साइन ये कॉस जो ऊपर में है ये कॉस ऊपर से नीचे जाएगा तो ये कॉस यहाँ से मिटा के हम यहाँ दे सकते हैं कॉस यानी कि साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, इसको बना सकते हैं टेन बन गया और ये बन जाएगा क्या चीज कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको अगर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ जाएगा ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है क्या चीज ये हो गया कितना रूट में टेन एक्स, टेन एक्स और बट्टे में क्या तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ये ऊपर में चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये नीचे में बनेगा क्या चीज तो टेन एक्स बनेगा, ठीक है, और डी एक्स। अब इसको भी और छोटा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये रूट में टेन एक्स है और ये टेन एक्स है, तो इसको नीचे में करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा कि सेक स्क्वायर एक्स बट्टे अंडर रूट टेन एक्स, ठीक है, अब डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन यानी टी पुट करेंगे इसको, ठीक है, अब यहाँ पे टेन एक्स को क्या पुट करेंगे टी पुट कर देंगे, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा डिफरेंशिएशन
यहाँ पे sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt होगा, ठीक है, dt होगा, ठीक है, इस तरह से ये लिखेंगे। अब यही चीज अब यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन, तो ये क्या बनेगा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी और ये dt, ये sec स्क्वायर x dx का वैल्यू होगा dt। इस तरह से अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पर लॉग में हो जाएगा क्या चीज, टी प्लस में इंटीग्रल कोसाइन जोड़ते हैं सी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग टी का वैल्यू क्या माने हम, तो टेन रूट में, ठीक है, टेन क्या मानेंगे, रूट में है ना, यहाँ रूट के अंदर है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये वाला प्रमाण लगेगा, क्या लगेगा, तो रूट के अंदर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट के अंदर टी, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए टी के पावर कितना है, वन बाय टू है, माइनस में वन बाय टू है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, टी के पावर माइनस में वन बाय टू और डी टी। अब यहाँ देखिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस में वन बाई टू है और प्लस में वन जुड़ जाएगा और बटा में माइनस वन बाई टू और प्लस में वन जुड़ जाएगा प्लस में सी, इसका मतलब क्या होगा, यह होगा कितना, माइनस प्लस में वन बाई टू बचेगा नीचे में और टी के पावर भी वन बाई टू बचेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये दो नीचे वाला क्या हो गया, यहाँ पे दो और यहाँ पे रूट में हो जाएगा कितना, रूट में हो जाएगा टेन टी, यानी टी हो जाएगा और प्लस में लिखेंगे सी। अब टी का वैल्यू यहाँ पे यहाँ से पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा कितना, यहाँ बनेगा टू और यहाँ पे रूट में टेन एक्स प्लस में होगा सी, तो इस तरह से हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टा में एक्स है, इसको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस में लॉग एक्स जो है इसको हम क्या कर लेंगे, टी मान लेंगे। ठीक है, इसको टी पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको बात क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ पे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये डी एक्स बराबर हो गया डी टी, इसका मतलब यहाँ ध्यान दीजिए एक्स बट्टा 1 बाय एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी। ठीक है, यही चीज अब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ क्या लिखाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ होगा टी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए 1 बाय एक्स का वैल्यू यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी टी दिखाएगा। ठीक है, सही है, डी एक्स 1 बाय एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी स्क्वायर है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 3 बट्टा 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में सी, क्योंकि पावर में एक जुड़ जाता है, बट्टा में पावर जुड़ के नीचे में लिखाता है। ठीक है, जो पावर में होगा वही चीज नीचे में होगा। तो अब यहाँ पे देखिए टी के पावर कितना, टी का है तो 1 प्लस में लॉग, 1 प्लस लॉग एक्स के पावर हो जाएगा कितना, 3 और प्लस में सी और 1 बाय 3 यहाँ पे जो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, 36 नंबर, ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टा एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पे लॉग यानी कि एक्स प्लस लॉग एक्स को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स प्लस में लॉग एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे इसको टी मान के। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 1 बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, इसका डिफरेंशिएशन इतना हुआ, इतना बराबर क्या होगा, डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, इतना हो गया। तो यही चीज यहाँ पे देखिए, इसको हम एक्स प्लस 1 बाय एक्स को हम लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस में 1 बाय एक्स और इंटू यहाँ पे इसको हम लिख दिए, दोनों को एक साथ मिला के इतना लिख दिए, एक्स से डिवाइड कर दिए इसमें। अब यहाँ पे एक्स प्लस में लॉग एक्स इतना के पावर क्या है, 2 है और डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यही चीज का, ये 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ यानी कि इसको टी स्क्वायर और डी टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ टी के पावर 3 बट्टा 3 और प्लस में सी आएगा और यहाँ पे दिखाएगा क्या चीज, तो 1 बाय 3 और टी के जगह पे हम क्या पुट करें, तो यहाँ पे एक्स प्लस में लॉग और यहाँ पे एक्स और इसके पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस में सी इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से ये भी आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 जो है, क्वेश्चन नंबर 37, ये एक्स क्यूब साइन और टेन इनवर्स एक्स पावर 4 और ये 1 प्लस एक्स पावर 8, इस तरह से फंक्शन दिया गया है, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स के पावर 4 को हम क्या करेंगे, टी पुट कर लेंगे। ठीक है, इसको टी पुट कर लिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर का पड़ोसी हो जाता है, तो पावर पड़ोसी और पावर माइनस 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो पावर जितना आता है पावर बगल में और पावर में से एक हटके। ठीक है, और यहाँ पे डी टी बटा डी एक्स होगा तो यहाँ पे डी एक्स हो गया बराबर में डी टी हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ये चीज पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, अब यहाँ पे देखिए 4 पुआने के लिए यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 4 से भाग भी, तो यहाँ पे क्या हो गया, बाहर में 4। अब यहाँ पे इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो ये क्या बन गया, अब
tan, यहाँ sin बन गया sin tan inverse, tan inverse यहाँ f से पावर 4 की जगह पे हो गया क्या चीज t, और यहाँ पे लिखा है क्या चीज यहाँ 1 plus tan 1 plus t square होगा, क्योंकि tan के पावर x से पावर 4 को लिया है t, तो यहाँ पे x से पावर 8 को लेंगे t square, और इसको हम integration of dt लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से देखिए यहाँ पे फिर अगेन फिर से पुट करेंगे क्या चीज अगेन पुटिंग, ठीक है पुटिंग। अब यहाँ पे t tan इनवर्स t जो है इसको हम tan 1 यानी कि tan इनवर्स t को हम क्या पुट करेंगे u पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस t स्क्वायर dx बराबर dt बराबर में du, ठीक है ये बनेगा। अब ये चीज फिर से हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4। अब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पे साइन टी लिखाएगा, टी नहीं यू लिखाएगा और डी यू लिखाएगा, ठीक है। अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे डी यू, ठीक है। और यहाँ पे इसको टेन वर्स टी को पुट कर लेंगे यू। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 होगा। अब यहाँ पे साइन यू है, साइन यू का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉस यू, ठीक है कॉस यू होगा माइनस में, तो अब यहाँ पे प्लस में सी जुड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 माइनस में हो जाएगा, माइनस पहले लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस यू है तब कॉस का कॉस लिखाएगा ही, कॉस का कॉस, उसके बाद यू की जगह पे क्या लिखा है टेन इनवर्स टी है तो टेन इनवर्स टी लिखाएगा, ठीक है टेन इनवर्स क्या लिखाएगा टेन इनवर्स टी आएगा, ठीक है। अब इतना आ गया, अब प्लस में क्या लिखेंगे सी लिखेंगे। अब यहाँ फिर से देखिए कि माइनस में 1/4 होगा और यहाँ पे कॉस तो कॉस होगा ही, इसको ऐसे लिखेंगे अब कॉस होगा ही, लेकिन यहाँ पे आप टी के जगह पे क्या हो जाएगा आप एक्स के पावर 4 पुट कर लेंगे तो कॉस टेन इनवर्स, ठीक है टेन इनवर्स और एक्स के पावर 4, तो इस तरह से हमारा फंक्शन बन जाता है, आंसर भी आ जाता है, ठीक है इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 38 जो है इसका यानी कि ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन भी दिया है, इसको आप देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे x के पावर 10 और प्लस में 10 के पावर x जो है इसको मान लीजिएगा t, ठीक है इसको डिफरेंशिएशन करिएगा तो 10 x के पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएशन करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a के पावर x, यानी कि a के पावर x को जो कॉन्स्टेंट के पावर x है इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो यहाँ पे होता था क्या ठीक है a के पावर x होगा, ठीक है और प्लस में लॉग में a हो जाएगा, ठीक है इस तरह से होगा यहाँ पे तो 10 के पावर x और लॉग में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है टू डी बेस बेस होता था ए होगा यहाँ पे ई होगा, ठीक है सेम यही चीज होगा, ये चीज यहाँ पे होगा टेन यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया इतना, और ये पूरे को अब डी से एक्स बराबर में डी टी ये चीज आप पुट करेंगे, ठीक है ऐसा हो गया। अब यही चीज के ऊपर में है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/t और डी टी, इसका मतलब क्या हुआ लॉग में टी होगा और प्लस में सी होगा, तो अब यहाँ पे देखिये लॉग टी का वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग, अब t के जगह पे हम ये चीज पुट करेंगे 10 के x के पावर टेन और प्लस में 10 के पावर x, इस तरह से मोड के अंदर होगा, ठीक है मोड के अंदर पॉजिटिव देता है वैल्यू। अब ये प्लस में इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर d होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, ठीक है इसको क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, इसको इंटीग्रेशन में रहेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा इसको हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स तो लिख सकते हैं, 1 का वैल्यू है इसलिए यहाँ पे 1 के जगह पे ये चीज पुट कर दिए। अब यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स और डी एक्स इस तरह से है। अब इसको क्या करेंगे हम सेपरेट कर देंगे, इसको सेपरेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इसको इसको सेपरेट करके देखेंगे तो यहाँ लिखा है साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बट कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर कैंसिल साइन स्क्वायर कैंसिल तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/sin है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/sin यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में क्या बचेगा साइन कॉस है 1/cos स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो यहाँ देखिए नीचे वाला क्या होगा ऊपर भी जाएगा ये भी ऊपर भी जाएगा तो ये क्या बचेगा सेक यानी कि ये हो जाएगा कॉसेक ठीक है कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ठीक है
तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में कॉट एक्स, कॉट एक्स इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टेन एक्स होगा ठीक है। अब प्लस में सी, अब देखिए पॉजिटिव चीज को इस साइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा टेन एक्स, अब माइनस में हो जाएगा कॉट एक्स और प्लस में सी। इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा रहा यानी कि एक्सरसाइज 7.2 का यानी कि एक्सरसाइज सॉल्यूशन यानी कि इंटीग्रल चैप्टर से 7.2 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन रहा, आज लास्ट हुआ। अब अगला एक्सरसाइज में अगला वीडियो में अगला एक्सरसाइज का देखेंगे ठीक है। अगला वीडियो आप वेट करते जाइए ठीक है, आपको अपलोड मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है, और कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को आप देखते अच्छा लगता है लाइक भी कीजिए ठीक है। समझ में आता है या नहीं उसको आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू। तो आज की वीडियो इतना ही।